आज के इस वीडियो में हम आपको सात ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको घर में रखने से घर में अल्लाह की रहमत बरसती है और घर में खैर और बरकत होती है। क्योंकि दोस्तों अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिन घरों में ये सात चीजें होती हैं ऐसे घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन सात चीजों में बहुत सिफा रखी है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली चीज है कलौंजी। दोस्तों कलौंजी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलौंजी में मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है, यानी कि कलौंजी हर बीमारी में इंसान को शिफा देती है। इसलिए दोस्तों अगर आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हो तो हर रोज एक चुटकी कलौंजी जरूर खाया करो, इंशाअल्लाह आपको बेशुमार फायदा होगा। बस दोस्तों कलौंजी को खाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसमें हमारे नबी ने हर बीमारी की शिफा बताई है, इसलिए इसको खाने से मुझे भी जरूर शिफा मिलेगी। अगर आप इस तरह का इरादा करके इसको खाओगे तो इंशाअल्लाह आपको भी जरूर शिफा मिलेगी। दूसरी चीज है कुरान पाक। दोस्तों कुरान पाक अल्लाह की तरफ से इंसानों को बेहतरीन तोहफा है। अल्लाह ने कुरान पाक में बहुत बरकत रखी है। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में कुरान पाक मौजूद हो और रोजाना कुरान पाक की तिलावत होती हो तो ऐसे घर में भी अल्लाह की रहमत बरसती है और ऐसे घर में खैर और बरकत होती है। तीसरी चीज है शहद। दोस्तों अल्लाह ताला ने शहद यानी कि हनी में भी बहुत सिफा रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने शहद में बहुत सिफा रखी है और शहद इंसान की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। शहद डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों शहद का कुरान पाक में भी कई दफा जिक्र आया है और कुरान पाक में ये बताया गया है कि शहद इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए दोस्तों शहद को हमेशा अपने घर में रखा करो और आप इसका इस्तेमाल किया करो, इंशाअल्लाह आपको बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। चौथी चीज है जैतून का तेल। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जैतून के तेल में भी बहुत शिफा रखी है और जैतून का तेल हम सबकी ज़रूरत भी है। यह तेल बच्चों की मालिश करने में भी काम आता है जिससे बच्चों का जिस्म मजबूत होता है। इस तेल में अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें रखी हैं। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी जैतून को इस्तेमाल करने के बारे में फरमाया है। जैतून के तेल को किसी जख्म पर लगाने से जख्म भी बहुत जल्दी भर जाता है। इसलिए दोस्तों जैतून के तेल को भी आप हमेशा अपने घर में रखो, इंशाअल्लाह आपको इससे भी बेशुमार फायदा नसीब होगा। पांचवी चीज है खजूर। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने खजूर में भी बहुत सिफा रखी है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो तो हर दिन कुछ खजूर जरूर खाया करो, क्योंकि दोस्तों खजूर एक ऐसा फल है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी कई दफ़ा आया है और खजूर के बारे में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खजूर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि खजूर में अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें रखी हैं। खजूर को दूध में उबालकर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। छठी चीज़ है जमजम का पानी। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को भेजा गया एक नायाब तोहफा है। अल्लाह ताला ने इसलिए इस पानी में बहुत सिफा रखी है। जमजम का पानी इंसान के हर मर्ज को ठीक करने में फायदेमंद है और हर बीमारी को यह पानी ठीक कर देता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा जमजम के पानी को अपने घर में जरूर रखा करो और आप इस पानी को बावजू होकर और किबले की तरफ अपना मुंह करके पिए, इंशाअल्लाह आपको हर बीमारी में इससे फायदा हासिल होगा। सातवीं चीज है सिरका। दोस्तों सिरका अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ाओं में से एक गिज़ा है और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो इंसान अपने घर में सिरका रखता है और उसका इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला उसको इस अमल से बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि अल्लाह ने सिरका में भी बहुत सिफा रखी है। दोस्तों सिरका कई तरह का आता है, मगर याद रखें हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अंगूरी सिरका सबसे ज़्यादा पसंद था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने घर में खैर और बरकत चाहते हो और आप अपने घर में हमेशा खुशहाली चाहते हो तो आप इन बातों का भी ज़रूर ध्यान रखें, आप इन कामों को भी अपने घर में ज़रूर करें, इंशाअल्लाह फिर आपके घर में बरकत ही बरकत होगी और आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। दोस्तों सबसे पहली बात, आप अपने घर में अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करें यानी कि अल्लाह की खूब इबादत करें। घर में हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करें और हर रोज़ खूब इस्तग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह आपके घर में अल्लाह की रहमत बरसेगी।
दूसरी बात, आप जब भी अपने घर में दाखिल हों तो आप ऊंची आवाज में अपने घर वालों से सलाम करें और अपने घर के बच्चों को भी ये बताएं कि हमारे घर में जब भी कोई बाहर से आए तो आप सबसे पहले उनके पास जाकर सलाम करें और अपने घर की औरतों को आप पर्दे का हुक्म करें। दोस्तों तीसरी बात, आप अपने घर में हमेशा आप अपने से बड़े लोगों की इज्जत करें और अपने से छोटे बच्चों को खूब प्यार करें और आप कभी भी अपने घर में गाली या फिर गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इस अमल की वजह से भी घर में बरकत खत्म हो जाती है। चौथी बात, दोस्तों आप अपने घर में हमेशा हलाल कमाई के पैसों से बनी रोटी ही बनाएं और हलाल के पैसों से बना खाना ही खाएं क्योंकि हराम के पैसों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर में भी कभी खुशहाली नहीं आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर में अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करें, यानी कि आप अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत भी करें और हमेशा आप उनकी दुआएं लेते रहें। दोस्तों एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूं? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा दो। दोस्तों उसके बाद उस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वैसा ही किया। उसके कुछ दिनों के बाद फिर वो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में बहुत बरकत है लेकिन बरकत से पर्दे का क्या वास्ता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, आपके घर के पास से भी नमाजी गुजरते थे, उनकी नहुसत तुम्हारे घर में पड़ती थी और तुम्हारे घर से बरकत निकल जाती थी और जब आपने अपने घर में पर्दा लगा दिया तो उनकी नहुसत पड़नी बंद हो गई और आपके घर में बरकत होने लगी। तो दोस्तों जरा सोचो कि जिस घर में नमाज ही ना पढ़ी जाती हो फिर उस घर में बरकत कैसे होगी। इसी तरह से दोस्तों एक मर्तबा हजरत वैसी रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे खाने में बरकत नहीं होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हम शेर नहीं होते हैं, यानी कि हमारा पेट नहीं भरता है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, शायद तुम सब अलग अलग खाना खाते हो। तो यह सुनकर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह, हम ऐसा ही करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, तुम लोग अपने घर के खाने को एक साथ में बैठकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी और तुम्हारे घर के खाने में भी बरकत होगी।